हेलो स्टूडेंट, ड्राइंग के सिंबल्स अपन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है। अब ये जो डायग्राम दिया है ये क्या दर्शा रहा है? तो जी बना हुआ और नीचे एसी का सिंबल बना हुआ है। तो एसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर है, या एसी मोटर है या डीसी मोटर है। अब जी बना हुआ है तो जनरेटर हो गया और एसी का सिंबल है तो एसी हो गया। तो इसका उत्तर सही हो गया एसी जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सर्किट डायग्राम में प्रयोग किए गए चिन्ह बताएं। अब ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये देखो, इसमें अब ये चिन्ह किसका है? ट्रिगर सन कैपेसिटर का है, या गैंग कैपेसिटर का है, या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का है, या रेखीय इसका वेरिएबल्स कैपेसिटर है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का ये सिंबल है, तो इसका सी उत्तर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वायरिंग सर्किट डायग्राम में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर चिन्ह है। अब ये वायरिंग डायग्राम है, इसमें जो है सर्किट ब्रेकर का सिंबल कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही है, सर्किट ब्रेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जीनर डायोड के लिए सही चिन्ह चुने। अब चार ऑप्शन दिया है, इसमें से जीनर डायोड का कौन सा सही है? तो जीनर डायोड में आपको सबको पता है कि डायोड का ये सिंबल होता है और इसके अंदर ये जो लाइन होती है एक इधर होती है और एक इधर होती है, तो ये होता है जीनर डायोड। तो इसका उत्तर भी आपका एकदम सही है, जीनर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चल लोह प्रकार के उपयंत्र को संकेत द्वारा दर्शाया गया है। मूविंग आयरन प्रकार का, तो मूविंग आयरन प्रकार का कौन सा होगा? देखो एम आई होता है और एक होता है एम सी। आई का मतलब जैसे आई बना दिया है और उसके अंदर ये कॉइल को लपेटी हुई है, और सी का मतलब अपन ने उल्टा सी बना दिया है तो उसके अंदर ये होता है। तो अब ये क्वेश्चन में है, चल लोहा यानी कि आयरन टाइप, तो आयरन टाइप कौन सा हो गया? ये वाला, इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक उपयंत्र को क्षैतिज दिशा से 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है कि स्केल पर अंकित होता है। तो इसका सी उत्तर सही है, कौन सा हो? 60 डिग्री। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।